Assalamu alaikum. How are you guys? Or as you can see, aaj saatwa roza hai mashallah se, aur cheeze quite hamare favor mein hai in a sense ke sunne mein ye aa raha hai ke cheeze behtar ho rahi hai, but then again obviously jaise ki kal bataya tha ke koi concrete information nahi hai as if yet ke kafi had tak halaat sahi honge. बट वॉट वी कैन ओनली डू यू हैव ओनली वन दैट इज़ के हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से अपने मसले बयान करें, और क्योंकि वही मुसब्बिबुल अस्बाब है. वो कहते हैं ना कि तुम्हारा जूते का तस्मा भी टूटे तो तुम मुझसे मांगो. तो टाइम आ गया है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि अभी मुसीबत का मामला है तो हम अपने आप को थोड़ा अच्छा कर लें. अल्लाह पाक, आई माई सेल्फ, मैं कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं था, ना रिलीजियस हूँ, बट देन अगेन एटलीस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रिस्क्राइब ना. तो वही वाली बात है कि इफ़ आई एम सेइंग समथिंग तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. आई एम नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो ये है कि कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, और जितना अपने टाइम को आप यू नो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. घर पे आप बैठे हुए हैं मर्द हजरात, क्योंकि औरतें तो अगर हैं जैसा कि घरों पे, तो मतलब ऑब्वियसली उनका तो घर है, वो तो घर की मतलब कह लें एक तरीके से मालिक हैं. तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग मजबूरी के तहत अगर घरों पे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं हो कि उनके लिए जहमत बने. सही है, अब अगर तो आप लोग नहीं करते. सही है, सुन्नत रसूल भी है. अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपनी वालदा हैं, वालदा मोहतरमा के साथ आप घर में उनके साथ हाथ बटाएं किचन में, क्योंकि यार इट्स नॉट ईजी. सही है, कभी फील भी करना होता है, क्लोजली देखना भी होता है कि यार हाउ दे मैनेज. उनका भी रोज़ा है, जस्ट नॉट कि हमारा रोज़ा है. सही है ना, तो इस हिसाब से तो खैर आई कीप इट शॉर्ट. ये बातें तो होती रहेंगी. अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी आसान फरमाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम फरमाए खास. माशाल्लाह सातवां रोज़ा है. तो आज मैं सोचा है दो डिशेस बनाने का. तो पहली डिश ये है कि मेरी वालदा एक्चुअली आई है, तो शी लाइक्स फ़िश. तो ये है कि मैंने सोचा आज फ़िश का हम ग्रेवी बनाएंगे, या यू कैन से फ़िश का सालन बनाएंगे शोरबे वाला. तो विच इज़ सर्व्ड विद राइस बेसिकली, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो आई हैव मेड सम प्रिपरेशंस फॉर दैट, सो आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली व्हाट दे आर. और क्वाइट सिंपल है, यूजली जैसा नॉर्मल सालन बनता है लाइक आलू गोश्त एंड ऑल, इट्स द सेम टेक्सचर बट इट्स विथ फिश. तो होप यू गाइज वुड लाइक इट. सही है, आई विल शेयर यू द मेन इंग्रेडिएंट्स एंड यू नो वील टेक इट फ्रॉम देयर. हाँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा कि बताया फ़िश है, तो फ़िश को हम थोड़ा सा हल्के से ऑयल से ब्रशिंग करके थोड़ा सा उसको फ्राई कर लें, बिल्कुल लाइटली एक तरीके से हम उसको सौते कर रहे हैं एक तरीके से आप देखा जाए तो. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. साथ साथ इसके अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं प्याज है. प्याज हम लोग पहले थोड़े से ऑयल के अंदर भूनेंगे. इसमें टमाटर, हरी मिर्चें पिसी हुई, सॉरी कटी हुई, और साथ साथ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं, जैसा कि हल्दी हो गई, ये गर्म मसाला सेंटर में है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, फिर ये पिसा हुआ हरा धनिया है, सम ब्लैक पेपर. तो ये कॉम्बिनेशन के साथ इंशाल्लाह एक सालन का शेप आएगा. आई होप यू गाइस लाइक इट. आई विल शो यू एग्जैक्टली कि किस तरीके से वो दिखता भी है. तो हाँ, देख सकते हैं आप फाइनल कुछ शक्ल इस तरीके से होगी इसकी. तो ये बस ऑलमोस्ट रेडी है. इन दो तीन मिनट आप तो छोड़ सकते हैं. थोड़ा सा इसके अंदर पानी एक्सेस होता है. मेरी वालदा को एक्चुअली पसंद है थोड़ा सा कम गाढ़ा शोरबा. तो पतला शोरबा बनाया है, इट लुक्स गुड. अब इंशाल्लाह मूव ऑन करते हैं टू आवर नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ बीफ चिली ड्राई. हाँ, तो कमिंग बैक एंड यस, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट रेसिपी दैट आई वाज लुकिंग टू शेयर विद यू गाइस, और जो कि है बीफ चिली ड्राई. काफ़ी अच्छी है. And I had it before when I met my wife actually, but then again since she is in my life काफ़ी हद तक हम लोग ये बनाने लगे हैं. तो it's just that के I'll show you के किस तरह बनता है. It's quite easy.
I'll share you the recipe. So guys, if you can see, this is marinated beef. Julienne cut में इसको काट लिया था और it's marinated with soya sauce, some chili sauce, some vinegar, some lemon, फिर black pepper हो गया इसके अंदर, some pinch of salt, थोड़ा सा coriander, dry coriander, dry हरा धनिया कह सकते हैं वो powder डाला है और साथ साथ what it goes with its capsicum जाएगी इसमें शिमला मिर्च, छोटी हरी मिर्चें होंगी सही है और बड़ी हरी मिर्चें होंगी. इट्स लाइक मोर लाइक यू सौते देम सही है. पर इससे पहले आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपका बीफ जो है बीफ सही तरह गल गया हो इस टेंडर. तो या आई एम गोना मेक इट और इट विल बी सर्व विथ फ्राइड राइस और प्लेन राइस हाउ एवर यू लाइक इट. तो बस मैं आपको आई डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ इट्स गोना बी. ऑलराइट. हाँ तो या वी आर डन विथ द बीफ चिली ड्राई. लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स. राइट. एंड माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लेवर आया है. थोड़ा सा मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी है. शी इज़ ऑलमोस्ट 3 years old. तो शी इज़ एबल टू टेल मी एग्जैक्टली बाबा अच्छा है, नाइस नाइस, यू नो हाउ किड्स रिस्पॉन्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई विल शो यू. तो देखें ये बीफ चिली ड्राई बन चुका है. इसके फ्राइड राइस का प्रोसेस अभी चल रहा है. इंशाल्लाह दैट शुड बी डन इन हाफ एन आवर. इट्स लाइक अ नॉर्मल फ्राइड राइस सो यू कैन सर्व इट विद प्लेन राइस. तो या होप यू गाइस ट्राई इट. इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्विक एंड यू जस्ट हैव टू मैरिनेट इट और बड़ा अच्छा बनता है. तो रोज़ रोज़ जो हम खाते हैं लाइक आलू गोश्त, नॉर्मल खाने दाल चावल इन ऑल, कभी कभार अगर आपका कुछ बनाने का हो तो यू कैन ऑलवेज गिव अ शॉट विथ न्यू रेसिपीज. सो या होप यू एंजॉय इट. सी यू एट द इफ्तार टाइम. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीफ चिली ड्राई कितना ज़बरदस्त बना है. तो मेक श्योर यू गाइस ट्राई. बहुत ही अच्छा लगता है. इट्स लाइट, इट्स डेलिकेंट और बहुत बहुत लजीज होता है. होप यू गाइस लाइक इट. इंशाल्लाह फिर इसी अजम के साथ कल मुलाकात होगी. ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़ और नासिर.